नॉइस पोल्यूशन को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन असल में ये आपके लिए ख़तरनाक है, आपके बच्चों के लिए ख़तरनाक है, और इसे ठीक भी आप ही कर सकते हैं। आप किसी अथॉरिटी का, किसी अधिकारी का इंतज़ार मत करिए। कैसे, आपको एक डेमो दिखाते हैं। हमारे साथ एक कर्मचारी हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनके हाथ में एक मीटर है। ये मीटर नापता है कि किसी इलाके में जहाँ आप मौजूद है वहाँ पर शोर कितना ज़्यादा है। हमने 5 मिनट पहले इसी मीटर से एक रसीद निकाली है जिसमें जो जहां हम खड़े हैं वहां का जो शोर है, नॉइस पोल्यूशन है, वो 64.2 है। 64.2 डेसिबल का नॉइस फ़िलहाल यहां पर है, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन अब देखिए कि हम आपको एक डेमो दिखाते हैं कि हम अपनी गाड़ी का हॉर्न बजवाएंगे और फिर इसकी रिपोर्ट निकलवाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक हॉर्न से कितना फ़र्क पड़ता है आपके वातावरण के नॉइस पोल्यूशन पर, ध्वनि प्रदूषण पर। हॉर्न बजाइए आप। उधर से लगातार वो हॉर्न बजा रहे हैं और ये मशीन इस पूरे शोर को कैप्चर कर रही है और कुछ ही देर में यहाँ से एक प्रिंटआउट निकलेगा। रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि आखिर आपने आपके एक हॉर्न से आपके आसपास का ध्वनि प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, समस्या कितनी बड़ी हो जाती है। देखिए, अब यहाँ से प्रिंटआउट निकलना शुरू हो गया है। जो हमने 5 मिनट पहले देखा था वो 64.2 डेसिबल था और अब जो रसीद अभी निकल रही है हॉर्न बजाने के बाद उसमें कितना फ़र्क आ रहा है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इसी तरह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी इस तरह की मशीन को लेकर, मीटर को लेकर अलग अलग इलाकों में जाते हैं। देखिए, जो आदत है इनकी कि ऑटो वाले लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, इसको लेकर जाते हैं और फिर वहाँ का सब कुछ चेक करते हैं कि कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए, हॉर्न बजाने के बाद 89.1 डेसिबल, थोड़ी देर हमने गाड़ी का हॉर्न बजाया है और जो यहाँ का नॉइस है वो 89.1 डेसिबल तक पहुँच गया है, जो कि किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके पहले ये महज 64.2 था, मतलब 30% की वृद्धि इसमें आप देख पा रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि इसको जनता यानी कि हम और आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी आदतों में थोड़ा सुधार करते हुए हॉर्न वहीं बजाएं जहां ज़रूरत हो, क्योंकि यही आपकी और आपके बच्चों की सेहत ख़राब कर रही है। इसलिए जनता के लिए और कम से कम अपने परिवार के लिए हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि आपकी और आपके अपनों की सेहत सुरक्षित रहे। कैमरामैन जिया के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।